नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलते हैं पार्ट टू के बारे में, बेसिक मैथ पार्ट टू के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अगर पहला पार्ट नहीं देखे जाके पहला पार्ट देखे, उनको बेसिक से स्टार्ट होगा तो जोड़ना गुणा भाग आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं, इसमें हमने कुछ संख्याओं की परिभाषा के बारे में बता रहे थे जिनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है भाज्य संख्या, और इसके पहले हमने पार्ट वन में बताया कि सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, इनके बारे में हमने पार्ट वन में बता दिया था दोस्तों। तो ये पार्ट टू है, चलते ही स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो सके, मतलब कि जैसे कि मतलब वह संख्या जो दो या दो जिसके गुणनखंड दो या दो से अधिक हो, मतलब वह संख्या जिसके गुणनखंड, आप लिखते भी रहिएगा, दो या दो से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो दो से मतलब एक से विभाजित हो, दो से मतलब कि बहुत सारी संख्या से अगर भाग देने पर डिवाइड हो जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका चार है, चार एक से भी डिवाइड होगा, दो से भी डिवाइड होगा, चार से भी डिवाइड होगा, तो तीन संख्या से विभाजित होती है। अब आते हैं अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब वह संख्या जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो केवल स्वयं मतलब स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, जैसे एग्जाम्पल ले लें पांच। पांच एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल पांच से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। जैसे सात, सात क्या है? अभाज्य संख्या है जो एक से विभाजित होगा और स्वयं सात से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब कि वह संख्या जिसके गुणनखंड दो हो। गुणनखंड अभी अच्छे से हम क्लियर कर देंगे, गुणनखंड मतलब कि जो स्वयं से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है, मतलब कि जितने संख्या से विभाजित होता है उसका उतना गुणनखंड होता है। तो मतलब कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका दो है, तीन है, पांच है, सात है, उसी पर आपका जैसे ग्यारह है, तेरह है, सत्रह है, उन्नीस है, तेईस है, उन्तीस है, इकतीस है, इटीसी, इसी तरह बहुत सारी संख्या है। मतलब वह संख्या जिनके जैसे कि जो दो संख्या, जैसे कि इसको दो को हम केवल एक से और दो से विभाजित कर सकते और किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, पांच को इसी तरह सात को, जैसे हमने अभाज्य संख्या बताया। भाज्य संख्या देखिए जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड मतलब केवल जो दो संख्या से ही विभाजित हो सके, एक स्वयं से विभाजित हो सके, एक एक से मतलब कि केवल वन से, वन तो वन से सारी संख्या विभाजित होती है, तो वही बताया गया केवल जो ऐसी संख्या जिसका दो गुणनखंड मतलब एक हो और जो स्वयं हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी हम चार का ले लें तो इसका एक भी गुणनखंड है, दो भी हुए और चार भी। आठ ले लेते हैं, एक भी है, दो भी है, चार भी है, आठ भी है, तो इसके बहुत सारे गुणनखंड है। तो इसके लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि दो से भी भाग करेंगे तो दो से भी भाजित हो, जैसे कि हम आठ ले ले रहे हैं, देखिए दो से काटेंगे दो चौक आठ तो इससे भी भाजित हो गया, चार से भी काट रहे हैं तो चार से विभाजित हो रहा है, चार दूनी आठ, आठ से विभाजित कर रहे हैं तो आठ से भी विभाजित हो जाएगा, आठ का नाम आठ, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। मतलब कि इसका गुणनखंड दो भी है, चार भी है, आठ भी है, तो मतलब एक तो एक कॉमन होता है, मतलब कि एक मतलब वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो एक और स्वयं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं आप नोट भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया आपको।
आज हम बात करेंगे स्थानीय मान। बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो बेसिक से चलेंगे, स्थानीय मान निकालना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए आपको हमने बताया था गुणा करना आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में दे देगा कि 500, जैसे दे दिया 500 भैया 5340 में 4 का स्थानीय मान निकालिए मान, तो आपको इकाई दहाई सैकड़ आता ही है। जैसे कि ये आपका पहला होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार, उसके बाद मिलेगा 10,000। तो आपको ये आना चाहिए दोस्तों, तो ये आपको आता ही है। जैसे कि एक बार अगर नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे पहली संख्या होती है उसे हम कहते हैं इकाई, उसके बाद आता है दहाई, उसके बाद आता है सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद आता है हजार, 10,000, 10,000, उसके बाद होता है आपका लाख आएगा, उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे कि यहां से हम कुछ संख्या ले लेते हैं, 7, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1,23,000, मतलब ये 20,000 और 23,000, 23,457 हो जाएगा। तो इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे हमको उत्साह हमारा क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार चालू होता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, ये सारे भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ना भी समझो आप जाइए, और आपको सीटेट का नाम सुना होगा, जो टीचर भर्ती के लिए एग्जाम होता है वहां सीटेट में देखेंगे, तो वहां से स्थानीय मान के बहुत सारे, स्थानीय मान और जातीय मान। तो आज हम दो चीज की बात पढ़ेंगे, स्थानीय मान और जाति मान। तो देखिए ये दोनों के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो स्थानीय मान के बारे में निकाय दहाई सैकड़ा बता दिया, तो अब चलते हैं निकालते हैं। देखिए स्थानीय मान जाति मान के एक क्वेश्चन देता है, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव भी एग्जाम में दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसी में दे रहा है, तो आपको स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 8,75,642 में, अगर पूछ ले 6 का स्थानीय मान निकालिए, निकालो, क्वेश्चन यही देगा कि अब ये तो हम सिंपल बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 8 लिखा है, 8,00,000, आपको ऐसे कर दीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8,75,642 इतना आपको आना चाहिए, कम से कम बेसिक है, तो बेसिक में कम से कम पढ़ने तो आना चाहिए, कि आपको पढ़ने भी नहीं आता, अगर पढ़ने नहीं आएगा तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको पढ़ना खुद से सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कम से कम आपको पढ़ना तो आना चाहिए। ऐसा आज के जमाने में कोई भी बंदा जिसको ना स्थानीय मान नहीं निकालना आता उसको हम बता रहे, जाति मान क्या होता है उसके बारे में बता रहे, जो बेसिक चीजें हम चल रहे हैं जाना आपको जल्द से जल्द कवर हो जाए, आपकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब ये कहेंगे अगर 1, 2, 3, 4 लिखना सिखाइए तब तो ये बहुत ज्यादा समय लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, आपको 6 का स्थानीय मान निकालना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहां से 6 ऐसे करिए, आपको सिंपल 6 लिख दीजिए, गुणा 1, 2 कितने जीरो लगेंगे गुणे करके, मतलब 100 से गुणा करिए, यहां से 1, 2 ये 2 जीरो बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो 7 का ऐसे करेंगे, 7 गुणे तो 1, 2, 3, 4 तो मतलब कि 4 जीरो से गुणा करना, मतलब कि 4 जीरो मतलब 10,000 से आपको गुणा करना, तो ये कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। आपको नहीं आता दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो हम बता देते हैं, ठीक। तो आते हैं जैसे में 8 का स्थानीय मान, तो चलते हैं 8 को ऐसे लिखेंगे, 8 का स्थानीय मान, अब 8, 8 का 2 है तो 8 गुणे 1, 2, 3, 4 तो 4 जीरो लगा लीजिए आप, अगर नहीं आते इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 10,000 पे तो 10,000 से गुणा कर दीजिए, बराबर आएगा 80,000,
ये जिस स्थान पे है अगर 10,000 पे है तो 8 में 10,000 से गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब हजार 10,000, 10,000 से गुणा करेंगे हजार मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख से गुणा करेंगे, 8 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बराबर क्या हो जाएगा 80 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा देखिए क्या जीरो है आपका 6 जीरो, तो यहां भी 6 जीरो हो गया। ठीक है, जीरो को आप देखते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है किसी भी संख्या का कह गया तो आप वैसे ही जोड़ो, जैसे कि अगर 5 का स्थानीय मान कह दिया यहाँ पे, अगर 5 का कह रहा तो 5 में तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 गुणे सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करिए 500 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, या तो आप 1-2 जीरो ले लीजिए या तो आप जैसा आपको समझ में आया, हमने दोनों तरीके से बता दिए, जिसको जैसा समझ में आए वो ऐसा कर ले दोस्तों। तो आते हैं आगे चलते हैं, अब आते हैं जातिमान। देखिए किसी संख्या का जातिमान सेम होता है, जैसे कि अभी हम बताएं 7, 3, 2 का में जातीय मान में मतलब जैसे दे दिया में 7 का में 7 का जातीय मान बताइए। देखिए जो जातीय मान होता सेम, 7 का जातीय मान 7 होगा, अगर पूछे यहां पे 4 का जातीय मान 4 होगा, ठीक है मतलब सेम संख्या ही उसकी जातीय मान होती, कोई अधिकारी का सैकड़ा हजार मत ले, जातीय मान क्या होता है सेम होता है, अगर 7 का जातीय मान कहे तो 7 होगा, 8 का जातीय मान कहे तो 8 होगा, मतलब जातीय मान वही जाति उसकी, ठीक है सिंपल सा क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देते हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे ये, अब क्वेश्चन कैसे देते हैं स्थानीय मान से जाति मान मिक्स करके कैसे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मैं 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, आप सभी को तो स्थानीय मान निकालने आता है, आप 7 लिखें और फिर उसके बाद हजार पे जीरो लिख दिए, ठीक है मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आप हजार मतलब 7,000 हो गया। अब कह रहा 7 का स्थानीय मान और फिर 7 का जाति मान में अंतर है, तो 7 माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे आपका 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये आपका कितना आ जाएगा 6, तो यही आंसर हो जाएगा। तो लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं, जाति मान भी सेम होता है स्थानीय मान की तरह, या तो कभी कभी बजाने भी दे दिया 7 का स्थानीय मान, जैसे क्वेश्चन यही है 7 का स्थानीय मान और आपका दे दिया 3 का जाति मान में अंतर होता है, जाति मान मतलब 3 का जाति मान मतलब 3 का जाति मान, तो 7 का 7,000 होगा आपका और जाति मान 3 ही रहेगा, आप घटाएंगे 7, 9, 9 आपका आ जाएगा आसानी से 6, ठीक यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 के जाति मान में अंतर होता है, 7 के स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान और 3 का जाति मान में अंतर बताइए, तो 3 का 3 ही रहेगा, ये नहीं कि 30 ले लें कुछ और ले लें, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जाति मान स्थानीय मान में, तो आपको क्लियर हो गया जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया, आप आसानी से कर सकते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के देगा आपको, जोड़ना घटाना आना चाहिए, जैसे दिया 9 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर मान क्या होगा, तो जैसे कह दीजिए 7 का स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप 7 का स्थानीय मान देखिए 7 कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 70,000 हो जाएगा,
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक दो तीन चार, तो चार जीरो मिल गया। अब नौ, तो देखिए कि नौ पे कितना जीरो है, एक दो, तो नौ का 900 आएगा, तो जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने पर इतना इसका स्थानीय मान आएगा, मतलब जोड़ने मतलब इसका स्थानीय मान, तो स्थानीय मान को दोनों को जोड़ करके दे देता है, या तो कह देगा क्वेश्चन दे देगा। और भी देखिए जातीय मान से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लोग जातीय मान में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहेगा आप आठ का मतलब मैं आठ का स्थानीय मान और चार के स्थानीय मान से गुणा कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, तो कुछ नहीं, आठ का स्थानीय मान कितना है, एक दो तीन, तीन जीरो लगा दीजिए अगर आपको, नहीं तो आठ, 8,000 है तो 8,000 लिख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 8,000 तो 8,000 हो जाएगा, आठ का स्थान का 1,000 आ रहा तो 8,000। अब यहाँ पे चार इकाई दहाई, तो मतलब कि 40, 40 से गुणा करने के लिए कहा है, का गुणा से गुणा कीजिए, तो गुणा कर दीजिए, तो आपको एक जीरो दो तीन चार, जैसे गुणा आता है आप करिए, फिर चार जीरो जीरो जीरो, फिर हमने चलिए ठीक है, सामने बताया था एक अंक छोड़ के गुणा किया जाता है आपको, तीन दो तीन, गुणा भाग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुणा भाग नहीं आएगा तो स्थानीय मान जाति मान कैसे निकाला जाता है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये स्थानीय मान जाति मान क्लियर हो गया दोस्तों, तो अब चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, तो हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे आप करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नंबर एक, 7,000 सात का स्थानीय मान बताइए। देखिए दो है सात का स्थानीय मान, तो दोनों का सात का स्थानीय मान बताना है। दूसरा है में सात का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और हाई लेवल चलेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम जहां तक समझ रहे हैं बेसिक्स चल रहे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।